हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और आज हम एक ऐसे चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं कोने के अंदर छुपा हुआ रह जाता है। हालांकि चैप्टर बहुत छोटा है, बट इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो स्टिल बहुत ज्यादा है। इस चैप्टर के अंदर से एक क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे जाने की संभावना है इस बार, और बहुत ही कम टाइम के अंदर आप अपने 4 नंबर एंश्योर कर सकते हो। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। हमने इससे लास्ट वीडियो के अंदर वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वेव की प्रॉपर्टीज और उसको लाइट से रिलेट किया था। हम साउंड वेव्स के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो आज हम एक बिल्कुल अलग ही तरीके की वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और याद रखना, लाइट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विजिबल लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो आज थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं अपन उसके। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? डिस्प्लेसमेंट करंट के कंसेप्ट से होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक कैपेसिटर को एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर देते हो, तो उसके अंदर जो करंट फ्लो होती है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। अब आपको यहां पर थोड़ा सा है ना कुछ गड़बड़ नजर आएगी, अगर आप थोड़ा सा मेरी निगाहों से देखोगे तो। क्या आपको यहां से करंट जाते हुए दिखाई देगी? ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट चार्ज होते हुए दिखाई देगी, फिर इसके बीच में आपको लगेगा कि कोई करंट नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आज तक हमारे दिमाग में करंट की जो व्यू है, करंट का जो पर्सपेक्टिव है, वो केवल और केवल फ्लो ऑफ चार्ज है। तो आप बोलोगे सर प्लेट्स के बीच में तो कोई चार्ज वैसे भी मूव नहीं कर रहा, तो देयर शुड बी नो करंट। और फिर उसके बाद में यहां से वापस से आप देखोगे अचानक से कहीं से करंट वापस से अपीयर हो जाएगी, तो देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी इन फ्लो ऑफ करंट। अब इस डिसकंटिन्यूटी के ऊपर बहुत टाइम तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, बट सबसे पहले मैक्सवेल ने ध्यान दिया और उसने हमें डिस्प्लेसमेंट करंट के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया। और उसके बाद में जो एम्पियर्स लॉ है, ठीक है, उसको हमने मॉडिफाई किया, उसको हमने कंप्लीट किया, और आज हम उसको एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो दो तरीके की करंट होती है। एक तो होती है कन्वेंशनल करंट, या इसको कंडक्टिंग करंट भी बोलते हैं। इट इज ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। और दूसरी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट करंट। इट इज ड्यू टू अ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर किसी स्पेस, किसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स, कोई भी सरफेस आप ले लो वहां पे हाइपोथेटिकल, उससे पास होने वाला फ्लक्स अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा होता है, तो उस स्पेस के अंदर इवन दो देयर इज नो चार्ज कैरियर मूवमेंट, बट स्टिल देयर विल बी एन एंटिटी बिहेविंग लाइक करंट, एंड दैट एंटिटी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। जैसा कि इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हो रहा है, प्लेट्स के ऊपर जैसे जैसे चार्ज आ रहा है, वैसे वैसे प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होती जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट करने की वजह से, एक करंट टाइप की जो एंटिटी है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में एग्जिस्ट करेगी। आपको कैसे पता चलेगा? आप उस करंट टाइप की एंटिटी जो है उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर सकते हो। इस तरीके से आप उसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगा सकते हो। तो खैर, मैं बहुत डिटेल डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, हमें बस केवल और केवल इतना ध्यान रखना है कि वायर के अंदर चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट की वजह से जो करंट आज तक हमें दिखाई देती थी वो कन्वेंशनल करंट थी। और अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हो, तो वहां पर भी एक करंट जैसी एंटिटी एग्जिस्ट करेगी। सारी की सारी चीजें जो करंट के साथ होती है वो उसके साथ भी होगी, वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, सारा का सारा काम होगा, राइट। उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाएगा। और जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट का एग्जिस्टेंस हमें पता चला, तो हमें पता चल गया कि देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब हमें कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी नजर नहीं है। फिर मैक्सवेल ने हमें इस डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला भी दिया। आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई डिवाइडेड बाय डीटी। क्योंकि अब अपन बड़े पर्सपेक्टिव के अंदर बात कर रहे हैं, तो दो तरीके के फ्लक्स हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। तो फाई ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की रेट को अगर आप एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो क्वांटिटी मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो एम्पियर्स लॉ था, जिसमें आप कहते थे कि बी डॉट डी एल की वैल्यू म्यू नॉट टाइम्स आई के इक्वल होनी चाहिए, उसको हमने इम्प्रूव कर दिया। आपके पास दो तरीके की करंट है, तो दोनों का सम कर देंगे। तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई सी, यानी कि कंडक्शन करंट, टाइम्स म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइडेड बाई डी टी, ये जो है ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो म्यू नॉट टाइम्स कन्वेंशनल करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होना चाहिए। मॉडिफाई कर दिया, कंप्लीट कर दिया। कैपेसिटर के केस में आप देखोगे
तो आप देखोगे कि चार्ज कंजर्वेशन का जो लॉ है वो एप्लीकेबल है, यानी कि जो कंडक्शन करंट है वो एग्जैक्टली प्लेट्स के बीच में फ्लो होने वाली डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। फिर इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड भी पूछी जा सकती है कि बताओ इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी। तो हम मैग्नेटिक फील्ड वाला फॉर्मूला लगा देंगे, राइट, या फिर हमारे पास में एम्पियर मैक्सवेल लॉ तो है ही है। तो जितने भी क्वेश्चंस करंट के साथ रिलेट किए जा सकते हैं तो इस टॉपिक को रिलेट किया जा सकता है, हालांकि चांसेस कम है। तो अब हमारे पास में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिनाज हैं, ठीक है, फिनोमिना है उनको चार इक्वेशंस के अंदर हमने समेट दिया, एंड दीज फोर इक्वेशंस आर कॉल्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन। फर्स्ट इज ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप पहचान तो गए ही होंगे कि मैक्सवेल की जो पहली इक्वेशन है वो बेसिकली गॉस लॉ है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ऐसे बी डॉट डी एस जो होगा किसी क्लोज सरफेस के लिए वो कितना हो जाएगा, जीरो। इट इज कॉल्ड गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। इसका सिग्निफिकेंस ध्यान रखना है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि आप किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अराउंड निकलने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को जब भी कैलकुलेट करते हो तो जीरो निकल के आता है। कहने का मतलब है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करेगा जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी तो उतने ही अमाउंट का साउथ पोल भी एग्जिस्ट करना चाहिए, उतनी ही पोल स्ट्रेंथ का साउथ पोल भी एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो उतनी की उतनी अमाउंट में सरफेस के अंदर भी आती हुई दिखाई दे, तभी तो आपकी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि और इसका जो एक फर्दर सिग्निफिकेंस है वो ये है कि आपके मैग्नेटिक पोल्स जो है वो हमेशा डायपोल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, मोनोपोल का जो एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल नहीं है, इससे हमें पता चलता है, राइट। थर्ड, E dot dl is equals to minus d phi b divided by dt। अगर आप इसको नोटिस करोगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है EMF। तो EMF माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फैराडेज लॉ हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। एंड लास्ट इज B dot dl is equals to mu naught times I, that is conventional current, plus mu naught times epsilon naught d phi e divided by dt। And this epsilon naught times d phi e divided by dt is nothing but displacement current. This is called Ampere Maxwell's law. तो जैसे ही हमें इन चार इक्वेशन के बारे में पता चला तो इन चारों इक्वेशन ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो किया वो ये किया कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पॉसिबल एग्जिस्टेंस के बारे में इंडिकेट कर दिया। इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो तो ऐसी ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। तो यहां पे तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है और अब आप इसको अच्छे से रिलेट कर सकते हो। अगर आपका चार्ज स्टेशनरी है तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, और उस प्लेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर आपका चार्ज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है यानी कि करंट है तो उस कंडीशन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होती ही होती है, साथ ही साथ में किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है और वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। लास्ट केस जो है कि अगर आपका चार्ज मूव कर रहा है विथ सम एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन वाले बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, हो सकता है चार्ज स्ट्रेट लाइन के अंदर ही एक्सेलरेट कर रहा हो, हो सकता है चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा हो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ, वहां पर भी उस पर एक्सेलरेशन होगा, राइट, और हो सकता है चार्ज जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो, ओसिलेट कर रहा हो, उस कंडीशन में भी उसके ऊपर एक्सेलरेशन वर्क करता है। तो जो एक्सेलरेटेड चार्ज होगा वो किसी प्लेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होना मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होना इलेक्ट्रिक फिनोमिना ईएमएफ को इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो आप देख रहे हो कि जैसे स्ट्रिंग के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती थी तो उसमें इलास्टिसिटी जो हुआ करती थी वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया करती थी। मैंने बताया था ना वेव्स की दो ही वेव्स स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होने के दो ही कारण है, एक तो इलास्टिक प्रॉपर्टी और एक इनर्शियल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि एक सस्टेन्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस करी जा सकती है एक एक्सेलरेटेड चार्ज के द्वारा।
और उन्हीं वेव्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों इन्वॉल्व है। फिर हर्ट्ज ने इसको प्रैक्टिकली डिमोन्स्ट्रेट किया था पहली बार, और जब उसने प्रैक्टिकली डिमोन्स्ट्रेट किया तो हमें इन वेव्स के बारे में कुछ और चीजें पता चली। तो उन सारी की सारी चीजों को मैं लिस्ट आउट कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये ऐसा सेक्शन है इस चैप्टर का जिससे क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आपको तीनों दिख रहे होंगे। ये जो रेड कलर वाली मैंने वेव बनाई है, साइनोसोइडल वेव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस के जेड टाइम्स आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अंदर है इसलिए मैंने आई कैप लगाया है, और वेव जो है वो जेड डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है इसलिए मैंने के साथ किसको लगाया है, जेड को लगाया है। तो वेव की इक्वेशन तो डिकोड करना आती है सबको। ऐसे ही जो ब्लू कलर वाली है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, बी इज इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी माइनस के जेड टाइम्स जे कैप, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में है तो मैंने जे कैप लगा दिया, स्टिल वेव आपकी जेड डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है तो वहां पर भी जेड आ जाएगा। कुछ खास बातें हैं जो हम नोटिस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशन, जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर है। इनफैक्ट वो दोनों एक दूसरे से भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हमेशा किस नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। इसके लिए कोई मीडियम की इलास्टिसिटी रिक्वायर्ड नहीं होती, इसीलिए ये वेव्स नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है, यानी कि इनको प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। हालांकि किसी मीडियम में ये प्रोपेगेट हो सकती है, वैक्यूम में भी हो सकती है, मीडियम में भी हो सकती है। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो साथ साथ सेम फेज के अंदर वाइब्रेट करती है। आप देख पा रहे हो कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रही है सेम उसी प्लेस उसी टाइम पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो रही है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है सेम उसी मोमेंट उसी टाइम पर उसी प्लेस पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो वाइब्रेशन है वो सेम फेज के अंदर होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया, कोई फेज डिफरेंस आपको नहीं दिखाई दे रहा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है और मैग्नेटिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, मीडियम की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, 1/√μ/ε के इक्वल होता है। म्यू मैग्नेटिक फील्ड वाली प्रॉपर्टी हो गई और एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड वाली प्रॉपर्टी हो गई, और तो और ये जो क्वांटिटी है 1/√μ/ε ये उस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। जैसे वैक्यूम के लिए अगर आप लिखोगे सी तो वो आएगा 1/√μ/ε। तो कहां कहां की चीजें कहां कहां आपस में आगे रिलेट हो रही है ये एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट है खासकर इस चैप्टर के लिए। इनफैक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आज तक आप पढ़ते आते थे उसको आप म्यू आर और एप्साइलिन आर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, √μr/εr। तो एक नया पर्सपेक्टिव मिला आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और लाइट की स्पीड का। इनफैक्ट यहीं से आपको पता चला कि यार लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तभी तो वो इस स्पीड के साथ ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर, राइट। अच्छा, एक्स डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप बोल रहे हो सर ट्रांसवर्स वेव है, तो वेव प्रोपेगेशन जेड डायरेक्शन के अंदर भी हो सकता है, माइनस जेड डायरेक्शन के अंदर भी हो सकता है। कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए हम पॉइंटिंग वेक्टर का सहारा लेंगे। पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1/μ0 × E⃗ × B⃗ के इक्वल होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन की जा रही है। तो यहां से हम इस चीज को फिगर आउट करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, तो एक्स से वाई की तरफ अपनी उंगलियों को कर्ल करने पर अंगूठा ऑटोमेटिकली किस डायरेक्शन के अंदर पॉइंट करेगा, जेड डायरेक्शन के अंदर पॉइंट करेगा, इसलिए पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए। अगर नेगेटिव जेड डायरेक्शन के अंदर होती वेव प्रोपेगेशन तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन के अंदर होती और मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन के अंदर होती है ना। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हो। इंटेंसिटी, ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसी की जो एवरेज वैल्यू होती है एक साइकिल के लिए उसको इंटेंसिटी कहा जाता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी यानी कि पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो नॉलेज है वो हमारे पास में ऑलरेडी है, हमने बस इसको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए यूज किया है।
तो जब आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो EMBM मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू होती है एक साइकिल के लिए 1/2 होती है, हमने AC वाले चैप्टर के अंदर ये पढ़ा था, आप खुद भी फिगर आउट कर सकते हो, वैसे आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद रखने हैं। तो आपकी इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/2, यानी कि साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, EMBM, और ये म्यू नॉट तो पहले से ही रखा हुआ था। अगर आप केवल और केवल EM की फॉर्म में चाहते हो तो EM स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट टाइम्स C हो जाएगा, और केवल और केवल BM की फॉर्म में चाहते हो तो C/2 म्यू नॉट टाइम्स BM स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। कोई पूछेगा कैसे आया, तो आपके पास में रिलेशन था कि EM डिवाइडेड बाय BM किसके इक्वल होना चाहिए, C के इक्वल होना चाहिए, तो आप E को B की फॉर्म में और B को E की फॉर्म में रख के ये दोनों फॉर्मूलाज जो है वो डिराइव कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको, क्योंकि वैसे ही फॉर्मूलाज कम है इस चैप्टर के अंदर, तो ये ध्यान होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनके पास में कोई मास नहीं है बट स्टिल ये मोमेंटम कैरी करती है, और फोटॉन्स का जो मोमेंटम है वो हमेशा उनकी एनर्जी और उनकी स्पीड के रेशियो के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। तो अगर किसी सरफेस से टकराएंगी तो मोमेंटम ट्रांसफर करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी, तो जो मोमेंटम ट्रांसफर्ड है वो डिपेंड करेगा कि सरफेस कैसी है। अगर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मोमेंटम हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई डिवाइडेड बाय सी। ये बिल्कुल वैसे ही केस है जब अपन मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे थे, एक बॉल फेंक रहे थे दीवार के ऊपर, वो टकरा के वापस से रिकॉयल होती थी, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता था, ट्वाइस ऑफ mv, ठीक है, गया फिर वापस से पलट गया, तो हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करते थे विथ साइन, तो वो एड हो जाया करते थे, ट्वाइस हो जाया करता था आपका मोमेंटम ट्रांसफर, राइट। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम कितना है, ई डिवाइडेड बाय सी, जबकि एब्जॉर्बिंग सरफेस जो है उस पर गया टकराया फिर उसके बाद में फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया, तो जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ वो कितना हुआ, केवल और केवल ई बाय सी। अगर कोई पूछे कि बताओ फोर्स कितना अप्लाई किया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो मोमेंटम ट्रांसफर हमने निकाली, इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, और एनर्जी को टाइम से डिवाइड करने का मतलब होता है पावर, तो फोर्स की फॉर्म में लिखोगे, मैं लिख देता हूं, इस केस में जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पावर डिवाइडेड बाय सी, और इस केस में जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिंपली पावर डिवाइडेड बाय सी। कई बार आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सोर्स की पावर दे दी जाती है और आपसे फोर्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना, और अगर फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दोगे, तो पावर को जब एरिया से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, इंटेंसिटी आ जाता है, और फोर्स को एरिया से डिवाइड करते हैं तो प्रेशर कहलाता है, तो रेडिएशन प्रेशर जो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए हो जाएगा I/C, और नॉन रिफ्लेक्टिंग यानी कि एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए हो जाएगा 2I/C। बिलीव मी, आपको ये जो छोटे 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 फॉर्मूलाज हैं ये हर क्वेश्चन को करने की ताकत दे सकते हैं, आपको इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान लगा के सीखने की जरूरत है। इसका जो लास्ट सेक्शन है उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे, बहुत कम वेवलेंथ से बहुत ज्यादा वेवलेंथ के रेंज तक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पाई जाती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की, फिर आपको एटलीस्ट ये ऑर्डर ध्यान रखना है, ये वैल्यूज अगर आप ध्यान ना भी रखो तो चलेगा, बट आपको ये ऑर्डर जो है वो जरूर ध्यान में रखना है। तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, अच्छा वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगी, राइट, तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, फिर माइक्रोवेव्स, उसके बाद में इंफ्रारेड, फिर उसके बाद में विजिबल लाइट, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, और सबसे कम वेवलेंथ यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी गामा रेज की। तो आपको ये जो ऑर्डर है ये ध्यान में रखना है, ठीक है, दीज वैल्यूज आर हार्ड टू रिमेंबर, तो इनको एक बार आप ओमिट कर सकते हो, बट इस टेबल से आप इस ऑर्डर को जरूर ध्यान रखना, ठीक है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। मैं जैसे आपसे पूछूं कि बताओ विजिबल लाइट, ठीक है, इसके कंपैरिजन में इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है या कम होती है, तो विदाउट एनी डाउट आपको पता होना चाहिए कि यार इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट से ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट से कम होती है, ठीक है ना, इस तरीके से आप इस ऑर्डर को ध्यान में रख सकते हो। और ऑर्डर के साथ साथ ही आपको ध्यान रखने हैं इनके यूसेस। तो जैसे अगर आप रेडियो वेव्स की बात करते हो तो रेडियो वेव्स के तो बहुत सारे यूज है, रेडियो टेली कम्युनिकेशन हो गया, टेलीविजन वाला कम्युनिकेशन हो गया, उसमें आप UHF VHF कभी टीवी पे लिखा हुआ आता होगा ना, वो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी इसके लिए यूज किया जाता है। तो ये सारी की सारी बेसिकली क्या है, रेडियो वेव्स है, तो रेडियो वेव्स का यूज जो है वो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन रेडियो और टेलीविजन के अंदर किया जाता है। माइक्रोवेव्स की बात करोगे तो माइक्रोवेव ओवन तो सबने यूज किया हुआ होगा, आई होप सुना तो होगा ही एटलीस्ट, तो उसके अंदर माइक्रोवेव ओवन यूज किया जाता है। रडार के अंदर भी माइक्रोवेव्स यूज करी जाती है, इनफैक्ट जो हम सेल्यूलर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं 4G 5G, उसके अंदर भी कौन सी वाली वेव्स यूज करी जाती है, माइक्रोवेव्स यूज करी जाती है।
इंफ्रारेड की अगर अपन बात करें तो ये बेसिकली हीट को कैरी करने वाली वेव्स हैं, तो दे ट्रांसमिट हीट फ्रॉम सन, और जब सपोज करो आपके सामने कोई फायर वगैरह ठीक है कोई चीज जल रही होती है, तो आपको दूर खड़े होने पर भी उसका जो ताप है उसकी जो हीट है वो फील होती है। तो बेसिकली किस वेव्स की फॉर्म में हीट ट्रांसफर हो रही है, इंफ्रारेड वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। तो जितने भी थर्मल कैमराज हैं या थर्मल सेंसर्स हैं वो सारे के सारे आई होप इंफ्रारेड के ऊपर काम करते होंगे, राइट? आई एम श्योर इंफ्रारेड के ऊपर काम करते हैं, ठीक है ना, नॉट आई होप। विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट का यूज तो बताने का कोई पर्पज ही नहीं है, दुनिया हमें केवल और केवल दिखाई दे रही है, आपको ये वीडियो लेक्चर दिखाई दे रहा है केवल और केवल विजिबल लाइट्स की वजह से। यूवी रेज, ये स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, स्किन के लिए खतरनाक होती है, इसीलिए हम स्किन के ऊपर सन स्क्रीन लगाते हैं, हालांकि सूरज से यहां तक आने वाली यूवी रेज को ब्लॉक कर देती है हमारी ओजोन लेयर, बट हमने पॉल्यूशन की वजह से उसको नुकसान पहुंचा दिया है, तो फिर हमें अब सनस्क्रीन लगा के घूमना पड़ता है। खैर, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो होती है उनके अंदर यूवी रेज को यूज किया जाता है, और भी इसके तमाम यूसेज हैं, ठीक है ना, मेडिकल सेगमेंट जो है उसके अंदर भी यूवी को यूज किया जाता है, बट बीइंग केयरफुल, राइट। एक्सरेज की अगर बात करें तो एक्सरेज जो है इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो ये नॉर्मली बॉडी की जितने भी मसल्स होते हैं या टिश्यूज जो होते हैं उनको पेनिट्रेट कर जाती है, केवल और केवल जिनकी डेंसिटी ज्यादा है जैसे हमारी बोन्स हो गई उनको ही पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो अगर आप एक्सरे के सामने खड़े हो जाओगे, जैसे लाइट के सामने खड़े हो, तो पीछे आपके पूरे शरीर की छाया बनती है, क्योंकि लाइट को तो हमारा पूरा का पूरा शरीर जो है वो ब्लॉक करता है, जबकि एक्सरेज को केवल और केवल हमारी हड्डियां ब्लॉक करती है, तो पीछे की तरफ जो छाया बनेगी वो केवल और केवल किसकी बनेगी, हमारे कंकाल की बनेगी। तो ऑब्वियसली इनका यूज जो है वो इसी पर्पस के लिए किया जाता है। और गामा रेज, इनकी वजह से कैंसर पैदा भी होता है, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, वेवलेंथ बहुत कम है, तो ये हमारे जेनेटिक लेवल पर जाकर म्यूटेशन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है अगर अपन लंबे टाइम तक एक्सपोज हो जाए इनसे। वहीं क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है और ये सेल्युलर लेवल पर जाकर कंट्रोल्ड वे के अंदर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो इनको कैंसर के इलाज के अंदर भी यूज किया जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है, दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी एज वेल एज वेरी मच सफिशियंट फॉर डूइंग एनी क्वेश्चन विच विल बी देयर इन एग्जाम फ्रॉम दिस चैप्टर। तो क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के साथ साथ हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, फिगर शोज अ कैपेसिटर मेड ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड सेपरेटेड बाय 5 मिलीमीटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स नॉट शोन इन फिगर, बैटरी वगैरह दिखाई नहीं है, मान गए हम चार्ज हो रहा है। द चार्जिंग करंट इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू 0.15 एम्पियर। तो ये चार्ज हो चुका है और कॉन्स्टेंट करंट फ्लो हो रही है, स्टेडी करंट फ्लो हो रही है 0.15 एम्पियर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट की अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत मजबूत हो जाएगी अपन अगर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो पढ़ने से आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि हाँ सर बहुत सारी चीजें हैं कनेक्ट नहीं हो पा रही, बट धीरे धीरे देखना है क्वेश्चन आपके सामने हार मानता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले तो अपन कैपेसिटेंस की बात करते हैं। अब कैपेसिटेंस जो पूछी गई है वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, वो हमें पहले से पता है। पैडल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है एरिया मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। एरिया हमें दिया हुआ है, मतलब हमें रेडियस दे रखी है तो हम एरिया निकाल सकते हैं आसानी से। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.85 × 10⁻¹². बट कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मुझे ये पता है कि 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, के ही तो होता है और के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹⁹। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह जब भी आप कैलकुलेशन करो तो ये चीज यूज करने की कोशिश करना, 9 × 10⁻¹⁹, थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो चलो C की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एरिया हो जाएगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 × 10⁻⁴, क्योंकि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻², और उसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁴। एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने बताया क्या रख सकते हैं अपन, 1/4 pi × 9 × 10⁻⁹। और नीचे डिस्टेंस डी है और वो हमें कितनी दे रखी है, 5 मिलीमीटर
5 × 10⁻³ mm को भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, पाई से पाई चला गया, ठीक है, ये 9 से 144 चला जाएगा, कितनी बार, नॉट 12, 16 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, एंड 4 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 4 टाइम्स, तो अल्टीमेटली बचेगा 4 / 5, यहां पर है -4, यहां पर है -3 और यहां पर है +9, 9 और -3 करोगे तो बचेगा 6, ऊपर जाएगा तो वो माइनस का 6 बन जाएगा, यानी कि टोटल पावर हो जाएगी 10⁻¹, तो इसको आप लिख सकते हो 4 / 5 को लिख सकते हो 0.8 × 10⁻¹, ठीक है, फेरेड के अंदर है, थोड़ा पॉपुलर आंसर जो आपको ऑप्शन के अंदर मिलेगा वो पीको फेरेड के अंदर मिलेगा, पीको का मतलब होता है 10⁻¹², तो इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 × 10⁻¹² हो जाएगा, और इसी को लिख सकते हैं अपन 80 पीको फेरेड, ठीक है, तो मैंने ऑप्शंस वगैरह नहीं लिए यहाँ पर क्योंकि 3 क्वेश्चन एक ही चीज के अंदर करवाने थे, वैसा कुछ आपको ऑप्शन मिल सकता है, राइट, तो पहला क्वेश्चन तो आसान हो गया हमारे लिए, फिर दूसरा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, अब प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज आता है क्यू, वो किसके इक्वल होता है, सी मल्टीप्लाइड बाय वी के इक्वल होता है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दोगे तो डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी जो कि करंट आई के बराबर है वो किसके इक्वल हो जाएगी, सी टाइम्स डी वी डिवाइडेड बाय डी टी, तो हमें ये निकालना है पोटेंशियल के चेंज होने की रेट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, करंट आई डिवाइडेड बाय सी के इक्वल हो जाएगी, करंट हमें दे ही रखा है, कितना दे रखा है 0.15 एम्पियर, ठीक है, और सी अभी अभी हमने निकाला था 80 × 10⁻¹². जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा फाइनली 1.87 × 10⁻⁶, ठीक है, कुछ इस रेट से हमारा जो वोल्टेज है, एक बार कैलकुलेशन कर लो, 10⁻⁶ नहीं आएगा, -12 है ऊपर जाएगा +12 हो जाएगा, 10⁻⁹ आना चाहिए आपका, राइट, 10⁻⁹ वोल्ट पर सेकंड, इस रेट से आपका वोल्टेज आपको चेंज होते हुए नजर आएगा, तो ये भी आसान चीज होगी, बस आपको इसको रिलेट करना था। ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स, तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि यार हमें जहां तक वायर दिखाई देता है वहां तक तो कन्वेंशनल करंट फ्लो होती हुई दिखाई देती है, और प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से हमें एक डिस्प्लेसमेंट करंट जाती हुई दिखाई देती है, इट इज नॉट कन्वेंशनल करंट, देयर इज नो चार्ज कैरियर्स मूविंग अक्रॉस द प्लेट्स, बट स्टिल देयर इज अ करंट लाइक एंटिटी एंड दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड वी हैव सीन दैट डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू द कन्वेंशनल करंट फॉर अ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अंदर कन्वेंशनल करंट कितनी है 0.15, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी कितनी हो जाएगी 0.15 एम्पियर हो जाएगी, तो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं हमने बहुत अच्छे से सीखे थे यहाँ पर, हमने अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय ex, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट 0 है, ey आपको दे रखा है वेव की फॉर्म में, एंड ez कंपोनेंट भी कितना है 0 है, ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो सबसे पहले तो ये मोशन के बारे में बोल रहा है कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में और उसकी वेवलेंथ के बारे में बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो हम इसको पकड़ते हैं, जो y कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इस तरीके से दे रखा है, और इसमें भी हम कहां पर चले जाते हैं, इस टर्म के ऊपर चले जाते हैं, तो वेव की इक्वेशन कैसी बन रही है, ey इज इक्वल टू e नॉट, भाई कोई कांस्टेंट है तुम्हें दिखाई दे रहा है ना 2.5, cos सम कांस्टेंट 2π × 10⁻⁶ टाइम्स टी माइनस सम कांस्टेंट यानी कि π × 10⁻²⁻² टाइम्स एक्स, तो ये जो चीज थी ये आपको बताती थी कि वेव किस डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है, और ये जो चीज थी ये उसकी डायरेक्शन बताती थी, तो दोनों को मिला के अगर अपन आंसर देना चाहेंगे तो हमारी वेव जो है नेगेटिव साइन का मतलब है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक्स दिख गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करती हुई होगी, यानी कि हमारा ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, 3 ऑप्शन अभी भी जिंदा है, ठीक है, दूसरी चीज पर आते हैं विथ फ्रीक्वेंसी, अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें
ये जो टाइम का कोफिशियंट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा को, 2π × 10⁻⁶। और हमारे अकॉर्डिंग किसके इक्वल होता है, 2πf, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, f की वैल्यू आ जाएगी 10⁶ हर्ट्ज। ठीक है, 10⁶ हर्ट्ज आ गई, इसका मतलब अभी भी हमारे तीनों कैंडिडेट जो है वो इक्वली दावेदार है राइट आंसर बनने के। तीसरी चीज के ऊपर चलता है, वेव लेंथ के ऊपर। ये वाला जो होता था x का कोएफिशिएंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता था, k को, तो k हो जाएगा आपका π × 10⁻²। और लैम्डा हुआ करता था 2π/k, यानी कि 2π/π × 10⁻²। पाई से पाई चला गया, माइनस टू को ऊपर भेजेंगे तो 10⁻², यानी कि 100, यानी कि 200 मीटर। अब आप देखो, मूविंग अलोंग x डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी 10⁶ हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 200 मीटर, यानी कि नाउ ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, राइट। तो ठीक है, ओके, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दे रखा, मूविंग अलोंग, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना, 200 मीटर देखो किसी और के अंदर तो नहीं दे रखा, मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इस ऑप्शन को चेंज कर लो, राइट, मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दिख गया होगा सबको, विथ फ्रीक्वेंसी 10⁶ हर्ट्ज, दिख गया, एंड वेवलेंथ 200 मीटर। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है हमारा काम। तो ये जो क्वेश्चन था इसके जरिए मैंने आपको वेव थ्योरी याद दिलाने की कोशिश करी है, क्योंकि मुझे पता है अभी तक आप भूल गए होंगे, वैसे भूलने के चांसेस कम है, क्योंकि मोस्ट वांटेड सीरीज का फंडा ये है कि हम बहुत फ्रिक्वेंटली सारी की सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं ताकि जो कनेक्शन है वो बने रहें। आई होप आपको चीजें याद आ गई होगी, अगर हल्का फुल्का भी भूले होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से जाना था, तो अपन उस रेस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ट्रू, मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है, मतलब इनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, हालांकि ये मीडियम से प्रोपेगेट कर सकती है बट जरूरत नहीं होती इन्हें, राइट। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम। अगेन, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम फेज के अंदर वाइब्रेट करती है, मतलब सेम प्लेस सेम टाइम पर, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होते हुए नजर आएगी, उसी प्लेस उसी टाइम पर आपको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी मैक्सिमम होते हुए नजर आएगा, तो सेकंड ऑप्शन भी ट्रू है। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। अगेन, वी हैव सीन दैट एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल, बस यहीं पर ये अच्छा था गया ऑप्शन, और हमारे लिए फॉल्स स्टेटमेंट यही हो जाएगा, हमें वही पहचानता था, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर −1/2 आर। तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन मैं डायरेक्ट जब यूनिट और डायमेंशन के अंदर करवाता तो हो सकता है आपको डिफिकल्टी होती, बट अब तो आपको पता है ना ये जो 1/μ0ε0 रूट होता है ये बेसिकली लाइट की स्पीड के इक्वल होता है, और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ये फायदा है मोस्ट वांटेड सीरीज का भी फायदा है, साथ ही साथ में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको आपको एक बार सरफेस सरफेस के ऊपर से पढ़ना होता है, फिर जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स डेवलप होती जाती है वैसे वैसे वो चैप्टर्स जो है वो अपने आप स्ट्रांग होते चले जाते हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल टूल्स की तरह रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे बेसिक मैथ्स हो गया, ग्राफ हमने पढ़ा था, वेक्टर्स हमने पढ़ा था, राइट, तो वो हर कहीं अप्लाई होंगे, तो उनको हमें शुरू में बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, जब फिजिक्स की शुरुआत करते हैं ना 11th क्लास के अंदर, तब हमें उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। वो एक अलग बात है कि आप ध्यान से पढ़ते नहीं हो, ध्यान से आपको पढ़ाया नहीं जाता, या पढ़ाया जाता है तो आप 12th तक आते आते भूल जाते हो, बहुत सारी चीज़ें, बट मोस्ट वांटेड सीरीज के अंदर आपके पास में ऐसा कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। नाउ यू नो ईच एंड एवरी थिंग, ईच एंड एवरी टूल यू हैव इन योर हैंड, राइट, एंड यू आर फीलिंग इट, राइट। चलो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेट किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर रिलेशन आपको दिख जाएगा इस तरीके का, तो तैयार रहना है आपको। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग
पॉजिटिव जेड एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सॉरी वेव प्रोपेगेशन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जेड डायरेक्शन के अंदर तो नहीं हो सकते, यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में बता रही है, और ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को जेड डायरेक्शन के अंदर बताया गया। ये दोनों ऑप्शन अभी भी करेक्ट हो सकते हैं। अब यहां पर आप कैसे डिसाइड करोगे, तो मैंने आपको पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में बताया था जिसमें हमने एक क्रॉस प्रोडक्ट इंक्लूड किया था, दैट इज ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली उस पॉइंटिंग उस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है जिस डायरेक्शन में आपकी गिवन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रेवल करती है। तो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे तो अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, और अगर आप एक्स से वाई की तरफ पॉइंट आउट करोगे तो आपका अंगूठा रिप्रेजेंट करेगा किस डायरेक्शन के अंदर, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर टू इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में मतलब वाई डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड आई डायरेक्शन में मतलब एक्स डायरेक्शन के अंदर है, तो आप वाई से जब एक्स की तरफ जाओगे तो आपका अंगूठा पॉजिटिव जेड के अंदर नहीं नेगेटिव जेड के अंदर पॉइंट आउट करेगा। तो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होंगे, साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो यही तो कंफ्यूजन होता है कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, तो वेव प्रोपेगेशन पॉजिटिव जेड में भी हो सकता है और नेगेटिव जेड में भी हो सकता है, तो हाउ विल वी बी सर्टेन कि दैट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन और नेगेटिव जेड डायरेक्शन। सो दिस इज द वे यू कैन डिसाइड, यू कैन ऑलवेज हैव दिस क्रॉस प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड माइक्रोवेव अल्ट्रावायलेट एंड गामा रेज। तो वेवलेंथ, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कोई भी एक तरीके का ऑर्डर ध्यान रख लो, वेवलेंथ का ऑर्डर ध्यान रख लो तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ऑटोमेटिकली उसका उल्टा हो जाएगा। तो हम वेवलेंथ का ऑर्डर ध्यान रखते थे, तो हम देखते थे कि सबसे नीचे, मैं एक बार वापस से याद दिला देता हूँ आपको ऑर्डर, ठीक है ना, आंसर आप खुद लगा लेना। सबसे नीचे कौन आती थी, आपकी रेडियो वेव्स आती थी। अब रेडियो वेव्स नीचे आने का मतलब है उनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती थी, अगर अपन वेवलेंथ को पकड़ के चलो सबसे ऊपर रखते हैं तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी किसकी, रेडियो वेव्स की। फिर उसके बाद में थोड़ी सी कम होगी माइक्रोवेव, फिर उससे थोड़ी सी कम होगी इंफ्रारेड, फिर उससे थोड़ी सी कम होगी किसकी, विजिबल लाइट, फिर उससे थोड़ी सी कम यूवी रेज, फिर एक्स रेज आती थी, और सबसे कम वेवलेंथ हुआ करती थी गामा रेज। तो हमें पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, तो अभी अभी मैंने जो आपको ऑर्डर बताया उसमें माइक्रोवेव होगा, ठीक है, रेडियो वेव्स के बाद में माइक्रोवेव आता है उससे छोटा भाई, फिर उसका छोटा भाई आता है इंफ्रारेड, फिर उसके बाद में आता था विजिबल लाइट जो कि दे नहीं रखा, फिर आता था यूवी रेज, एंड फिर सबसे छोटा छुटकू जो होता था वो होता था गामा रेज, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस को करेक्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय, मैं लिख देता हूं ढंग से, ई इज 40 कॉस के टाइम्स जेड 6 इंटू 10 रेज टू पावर 8 टाइम्स टी एंड आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन के अंदर वो सब सारी चीजें, वेयर ई जेड एंड टी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वोल्ट पर मीटर होती है, जेड आपका मीटर में दे रखा है और टाइम आपका सेकंड्स के अंदर दे रखा है, बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है, राइट। द वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर के इज, तो इस के की वैल्यू पूछी गई। अब देखना इसमें हम कहां से रिलेट करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि ये जो टाइम का कोएफिशिएंट होता है वो ओमेगा की तरह बिहेव करता है और ये तो के दे ही रखा है, और वेव की जो वेलोसिटी होती है वो होती है ओमेगा अपॉन के, यानी कि 6 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय के,
और हमें ऐसा कह रखा है कि ये वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर रही है, तो वैक्यूम में तो हमें पहले से ही पता है वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸। अब कनेक्शन बनता हुआ नजर आ गया आपको, k की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है, 6 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸। इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 मीटर इनवर्स। इसकी जो यूनिट होती है ना वेव प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट की, ये मीटर इनवर्स होती है। कोई पूछेगा क्यों, तो अगेन मैं यूनिट एंड डायमेंशन वाला कंसेप्ट बताऊंगा। मैंने बताया था साइन कॉस टेन, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनके अंदर जितनी भी टर्म्स होती है वो सारी की सारी यूनिट लेस होती है। तो अगर इस टर्म को आपको यूनिट लेस बनाना है तो के की यूनिट जेड की यूनिट के जस्ट क्या होनी चाहिए, इनवर्स होनी चाहिए, इसलिए मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको याद दिला रहा हूं मैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना वो याद दिलाने वाला चैप्टर है। नेक्स्ट, द कंडीशन अंडर विच अ माइक्रोवेव ऑन हीट्स अप अ फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स मोस्ट इफिशियंटली इज। तो मैंने आपको बताया था कि वैसे तो इंफ्रारेड रेज जो है उनका काम है हीट को कैरी करना, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम देखोगे तो इसमें से क्या है, बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि शायद माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी इंफ्रारेड रेज ही कुछ ना कुछ काम कर रही होगी खाने को गर्म करने के लिए, बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसका नाम इंफ्रारेड ओवन रखा जाता। माइक्रोवेव ओवन रखने का एक खास पर्पज ये है कि इसके अंदर वाकई माइक्रोवेव यूज करी जाती है। अब आप बोलोगे सर माइक्रोवेव तो फिर हीट से कोई लेना देना है ही नहीं, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहीं पर आप समझोगे कि किस तरीके से वर्क करता है। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर आप खाना, मतलब फूड प्रोडक्ट अगर आप देखोगे, जिस फूड प्रोडक्ट की अगर आप बात करोगे, तो उसके अंदर जो लार्जर पार्ट है, जो उसका ज्यादातर हिस्सा है, वो बेसिकली क्या है, वाटर। और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी जो इनहेरेंट फ्रिक्वेंसी है वो बेसिकली किस ऑर्डर की होती है, माइक्रोवेव के ऑर्डर की होती है। तो जब माइक्रोवेव्स से एक्सपोज करवाया जाता है वाइब्रेटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा वाइब्रेट कर रहे होते हैं, आप जो गिलास के अंदर पानी पी रहे हो ना उसमें भी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, बस आपने क्या कर दिया, उनको एक ऐसी वेव के साथ एक्सपोज करवा दिया जिनकी फ्रीक्वेंसी उन्हीं के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर की है। तो यहाँ पे रेजोनेंस जनरेट होगा, और रेजोनेंस हमने पढ़ा था इस कंडीशन में हर चीज, जैसे अगर करंट की बात करें तो करंट मैक्सिमम हो जाता था, यहाँ पे जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और ध्यान दो, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर पढ़ा था कि टेम्परेचर का मतलब होता है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो आप माइक्रोवेव के थ्रू जिनकी फ्रीक्वेंसी वाटर मॉलिक्यूल्स की इनहेरेंट फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर की है, आप वाटर मॉलिक्यूल्स की ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो, एंड दैट्स हाउ यू आर इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। इसीलिए फायदा होता है, इसीलिए आप देखोगे नॉर्मली जब अपन अदर किसी सिस्टम के अंदर खाना गर्म करते हैं तो पहले बर्तन गर्म होता है और फिर खाने तक हीट जाती है, जबकि माइक्रोवेव के अंदर क्या होता है, हीट जो है वो डायरेक्ट एक अलग ही तरीके के प्रोसीजर के थ्रू किसको मिल रही है, खाने को मिल रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स को मिल रही है। सो दिस इज द वे माइक्रोवेव वर्क, राइट। सो इंफ्रारेड वेव्स नहीं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव्स मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, राइट, बाकी सब ऑप्शन गलत है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव हैज नो रिलेशन विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नहीं, माइक्रोवेव्स आर हीट वेव्स, नो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई फॉल्स नॉर्मली ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द सरफेस इज। तो मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या फोटोन्स कह लो, जिनके पास में कोई मास नहीं होता, उनके पास भी मोमेंटम होता है, और उनका मोमेंटम लिखा जाता है एनर्जी डिवाइडेड बाय देयर स्पीड। तो यहां पर मोमेंटम हो जाएगा ई बाय सी। अब ई बाय सी मोमेंटम के साथ वो टकरा रहे हैं सरफेस से और क्या हो जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऐसा है, ये आपकी सरफेस है, ये मोमेंटम से टकराया ई डिवाइडेड बाय सी और इसी मोमेंटम से लौट गया ई डिवाइडेड बाय सी। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अगर आप इसको लिखोगे ई डिवाइडेड बाय सी टाइम्स माइनस आई कैप और इसको लिखोगे ई डिवाइडेड बाय सी टाइम्स आई कैप,
और फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ ई डिवाइडेड बाय सी टाइम्स आई कैप, और अगर इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई डिवाइडेड बाय सी। इतना मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा है, यानी कि ट्रांसफर हो रहा है। इसी से फिर अपन फोर्स निकालते थे, रेडिएशन प्रेशर निकालते थे, ये सारे के सारे काम इसी से करते थे। तो ट्वाइस ऑफ ई डिवाइडेड बाय सी ऑप्शन नंबर वन विल बी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी आई वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी तो पता है ना आपको, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को नॉर्मली वॉट लिख दिया जाता है और एरिया को एक्सप्लिसिटली मीटर स्क्वायर लिख के दर्शा दिया जाता है। ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब है आपकी जो वेव है वो जा रही है, टकरा रही है और ये सरफेस जो है उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट। तो उस केस में आप देखोगे कि आपका जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है वो केवल और केवल ई बाय सी के इक्वल होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय सी। और अगर आप उसको सरफेस के एरिया से डिवाइड कर दोगे तो फिर वो ई डिवाइडेड बाय जो भी सरफेस एरिया होगा वो क्या बन जाएगा, आपका इंटेंसिटी बन जाएगा। तो फॉर्मूला लगभग वैसा ही होगा, ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमने पढ़ा भी था नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस के लिए जो रेडिएशन प्रेशर होता है, ठीक है, वो I डिवाइडेड बाय C के इक्वल होता है, ठीक है। और उसके लिए जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस होती है उसके लिए ट्वाइस ऑफ I डिवाइडेड बाय C होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं। अ लेजर बीम ऑफ इज ऑफ 9 मिलीवॉट एंड डायमीटर 2 मिलीमीटर, देन व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट। तो हमने बिल्कुल एग्जैक्टली देखा था कि इंटेंसिटी जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट टाइम्स सी के इक्वल होती है। ये फॉर्मूला हमने देखा था, ठीक है। तो हमें इंटेंसिटी दे रखी है क्या, आप बोलोगे सर इंटेंसिटी तो नहीं दे रखी, बट हमें पावर और डायमीटर दे रखा है। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर बाय एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज पावर डिवाइडेड बाय एरिया। तो हम इंटेंसिटी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हमें दे रखा है 9 मिलीवॉट यानी कि 10^-3 डिवाइडेड बाय एरिया, डायमीटर 2 मिलीमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 1 मिलीमीटर, तो एरिया हो जाएगा पाई इनटू 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10^-3 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 10^-6। तो एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा मतलब BM, उसका स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 10^-3 इंटू 2, म्यू नॉट का मतलब होता है 4π इंटू 10^-7, ठीक है। तो ये पहले से था 2 म्यू नॉट को मैं ऊपर ले गया, पाए इंटू 10^-6 पहले से बैठा था और c को जब मैं नीचे ले जाऊंगा उसकी वैल्यू होती है 3 × 10^8। कैलकुलेशन करना शायद टफ नहीं है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 × 2 = 6 × 4 24 हो जाएगा, -3 - 7 मतलब -10, ये ऊपर जाएगा तो +6 बन जाएगा, या पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, 8 - 6 करेंगे तो 2 बचेगा, ऊपर जाएगा तो -2 बच जाएगा, यानी कि 10^-12 बचेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, उसका स्क्वायर है। तो अब रूट लेना पड़ेगा, अब रूट लेंगे तो 24 का रूट हमें नहीं पता, बट 25 का 5 होता है ना, तो अपन आसानी से देख सकते हैं कि इसका रूट लगभग 4.9 का 9 के लगभग होगा इंटू 10^-6 यानी कि 4.9 माइक्रो टेस्ला। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, राइट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, हमें फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए और हमें ध्यान है क्योंकि हमने इसको पढ़ा ही इसी तरीके से है, और आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The intensity of sun on earth is 1400 watt per meter square, assuming earth to be a black body. Black body का मतलब है कि earth जो भी radiation आ रही है उसको सबको absorb कर रही है। इसका मतलब है radiation pressure 2i upon c के equal नहीं होगा, किसके equal हो जाएगा, i upon c। बस ये difference ध्यान रखना है, absorbing surface i upon c, reflecting surface 2i upon c, बस इसी के ऊपर question बनेगी। i हमें दे रखा है 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर, सी होता है 3 × 10^8। 14 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये 4.66, ये ऊपर जाएगा
माइनस 8 प्लस 2 मतलब 10^-6 बन जाएगा, इतना रेडिएशन प्रेशर जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एग्जर्ट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। राइट, कर सकते हैं कैलकुलेशन, वेरीफाई करते रहना, हो सकता है मेरे से कोई छोटी मोटी गलती हो जाए। फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E इज इक्वल टू E नॉट साइन 12 × 10^6 टाइम्स Z माइनस 2 × 10^8 टी न्यूटन पर कूलम। अब तो इससे घबराहट थोड़ी ना होती है यार, ये लंबा जोड़ा देखिए तो वेव की इक्वेशन ही तो है। आपको पता है टाइम का कोफिशियंट ओमेगा है, जेड का कोफिशियंट के है, सारी चीजें पता है, राइट। इन अ मीडियम देन इट्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस, ठीक है, घुमाया गया क्वेश्चन को, बट हम घूमने वाले थोड़ी ना है, हमें तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता है। सबसे पहले तो हमें जो वेव की इक्वेशन दे रखी है, हम उससे वेव की स्पीड निकालेंगे कि जो भी मीडियम के अंदर ये ट्रेवल कर रही है उसमें स्पीड कितनी है। स्पीड होती थी ओमेगा अपॉन के, तो ओमेगा है यहाँ पर 2 × 10^8। वैसे ये भी मल्टीप्लाई होना चाहिए बट ये के से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं उसको लिख ही नहीं रहा, कट जाएगा ना। और के यहाँ पर कितना है, जेड का कोएफिशिएंट, दैट इज 1। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, कोएफिशिएंट ये भी है बट ये जेड का भी है और ये टाइम का भी है तो वैसे भी कट जाएगा, इसलिए इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 2 × 10^8 मीटर पर सेकेंड ये हमारी मीडियम के अंदर वेलोसिटी होगी। और हमें पता है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होती है वो होती है वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम। तो वेलोसिटी इन वैक्यूम तो हमें पता ही है 3 × 10^8, और वेलोसिटी इन मीडियम हमने निकाली ली 2 × 10^8, यानी कि हमारी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आ जानी चाहिए 3/2, यानी कि 1.5। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। गॉट इट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम इज 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, इस मीडियम के अंदर जो स्पीड है वो 3 × 10^8 है। वैक्यूम में भी कितनी होती है, 3 × 10^8, यानी कि ये मीडियम तो वैक्यूम ही है और वैक्यूम की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये नॉट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है, एच पता है ना सबको। बी इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एच नॉट होता था। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर याद करो सबके सब, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैसे, उसको अपन परमिएबिलिटी से रिलेट करते थे। द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट एट एनी प्लेस आर रिलेटेड एज। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, इन दोनों का रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है और मीडियम के अंदर स्पीड सी के इक्वल होता है, जब तक कहा नहीं जाए मीडियम वैक्यूम मान लो, राइट। और बी नॉट की जगह आप लिख सकते हो म्यू नॉट टाइम्स एच नॉट, और सी की जगह आप लिख सकते हो 1/√ म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो एच नॉट को अलग कर लो, बाकी सबको इधर भेज दो, तो रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट टाइम्स ई नॉट। तो ये थोड़ा सा और सुंदर तरीके से लिखा जा सकता है, होल अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट टाइम्स ई नॉट। सिंपल सा रिलेशन था, उसके ऊपर क्वेश्चन बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर आई गेस 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी कि एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और ये हम डबल श्योर हो जाएंगे कहां से, इसकी यूनिट देख के आंसर के अंदर, एम्पियर पर मीटर ये किसकी यूनिट हुआ करती थी, एच की यूनिट हुआ करती थी। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, लाइट की स्पीड के इक्वल होना चाहिए। और लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10^8 इसके इक्वल होती है। यहाँ तक की बात आ गई, इसको हम लिख सकते थे ई नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट टाइम्स एच नॉट, अभी अभी हमने करा था। तो एच नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी
वो हो जाएगी ई नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट टाइम्स 3 इंटू 10 इज टू पावर 8। सॉल्व करते हैं इसको, ई नॉट जो हो जाएगा वो जाएगा 1.2, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 इज टू पावर माइनस 7, और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 इज टू पावर 8। यहां तक की बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ये तो काम अपन। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा, यहां पर 10 और आ जाएगा, 4 इंटू 3 यानी कि 12, तो ये आपका 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, और पाई को लिखा जा सकता है 22 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, या फिर जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग एक बार देखते हैं, हो सकता है फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो। तो देखो बाकी सब चीजें कट गई, ये माइनस 7 है, ये 8 प्लस 1 9 हो गया, 9 में से माइनस 7 बचेंगे तो कितना बचेगा 2, और उसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 इज टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय पाई एम्पियर पर मीटर। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 जो है वह हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, दया कर दी इन्होंने कि हमें कैलकुलेशन की तरफ नहीं झोंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी दिस फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ एरिया दिस इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय इट, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीम। एब्जॉर्बिंग सरफेस है, सरफेस है, इसलिए रेडिएशन प्रेशर हो जाएगा इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय सी, और फोर्स किसके इक्वल होता है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, यानी कि आई डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। इंटेंसिटी हमें दे रखी है 1400, लाइट की स्पीड हमें पता है 3 इंटू 10 इज टू पावर 8, और एरिया कितना है एरिया हमारा, तो हमें 1.5, अच्छा डायरेक्ट एरिया दे रखा है 1.5 मीटर स्क्वायर। मैं अपनी हीरोगिरी दिखाने वाला था कि रेडियस वगैरह दे रखी है, डायरेक्ट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो। तो ये 3 से 1.5 कैंसिल हो जाएगा, 0.5 टाइम्स, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 चला जाएगा, 14 इंटू 5 करेंगे तो 70, डबल जीरो पहले से लगे हुए थे और नीचे 8 और 1 9, 10 की पावर 9 है, तो ऊपर 10 की पावर 3 नीचे 10 की पावर 9, ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर माइनस 9 प्लस 3 मतलब -6, 7 इंटू 10 रेज टू पावर -6 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे, आई होप इतना तो आपने फील कर ही लिया होगा कि दीज ऑल क्वेश्चंस आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द रिजल्ट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन बिगिनिंग, राइट। और इनिशियली हमने जितने भी रिजल्ट्स डिस्कस करे थे वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्लियर चैप्टर्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर वीडियोस। तो अब इतने सारे वीडियो देखते देखते जब आप यहां तक पहुंचे हो तो आपको पावर ऑफ मोस्ट वांटेड सीरीज जो है वो फील होने लगी होगी, और मेरी गारंटी है कि आज का वीडियो जो है वो आपको बहुत ही आसान लगा होगा, जबकि आपने पहले कभी ना कभी ये जरूर महसूस किया होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर था वो या तो समझ में ही नहीं आता था, या आता था तो उसके क्वेश्चंस पल्ले नहीं पड़ते थे, या उससे भी ज्यादा चांस ये होता था कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव के चैप्टर को छुड़वा दिया जाता था, या आप छोड़ देते थे यार किसी काम का भी नहीं है, छोटा चैप्टर भी है, ये है वो है, सारी की सारी चीजें। जबकि मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि जो छोटे चैप्टर हैं, खासकर मॉडर्न फिजिक्स और इस तरीके के चैप्टर जो है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, और एक फायदा हमें ये होता है कि इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आसान होते हैं, इसलिए इनको कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए अगर आप नीट के अंदर स्मार्टली अपियर होना चाहते हो तो। सो आई होप माई मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, एंड आई होप वी ऑल आर गोइंग अहेड इन द डायरेक्शन ऑफ गेटिंग अ गुड रिजल्ट इन नीट 2020 दिस टाइम। आई होप यू विल ऑल स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।